फैक्टाइजेशन हमारा आगे कंटिन्यू हो रहा है बेटा। एक्सरसाइज 14.2, ये ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इससे पहले मैं आपको थोड़े फॉर्मूले बता देना चाहता हूँ बेटा। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा होएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है, तो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, देखो तो हो गया a का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। अब चेक करते हैं बीच में 8a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 8a आ रहा है। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाला है आपका इसमें क्वेश्चन 49, ये फर्स्ट पार्ट कर दिया मैंने, सेकेंड वाला सारे एक टाइप के क्वेश्चन है। 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर, 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36। 49 किसका स्क्वायर है, 7 वाई का, 36 किसका है, 6 जेड का। 84 वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, 7 टू 14, 14 6 84, दोबारा क्या बन गया, सेम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा इसका कौन सा वाला पार्ट करें, सेवन्थ वाला पार्ट कर रहे हैं उसका, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4lm। अब क्या नजर आ रहा है बच्चों, ये एल स्क्वायर प्लस का 2lm माइनस का 4lm, तो क्या आएगा 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, ये एल का स्क्वायर है, ये एम का स्क्वायर है, यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब आ गया एल माइनस एम का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने आपको इसके जो बेसिक्स वाले क्वेश्चन है ये आपको बता रहे हैं। इसका एक और पार्ट है इसका, ए फोर प्लस 2a2b2 प्लस बी फोर, ए फोर प्लस 2a2b2 प्लस बी फोर। ए फोर का मतलब हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर, बी फोर का मतलब हो गया बी स्क्वायर का स्क्वायर, और उसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई ए टू इंटू बी टू। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखो 2a2b2 आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर करके आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके आएगा, तो क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारा आगे फिर मूव करते हूँ आगे, नेक्स्ट में क्वेश्चन हो गया हमारा 4p² माइनस 9q², 4p² माइनस 9² इसको करने से पहले आप ये वाला फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बोलो ए माइनस बी ए प्लस बी, जब बीच में माइनस का साइन हो और ये दोनों स्क्वायर हो तो उसको लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q। ठीक है, इनमें कभी कभी क्या देखा जाता है, कॉमन भी देखा जाएगा, जैसे 63a² माइनस 112b² 112b², दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 9a² 7 1 7 4 2 14 16b² 7 की जगह 7, 9a² क्या आ गया 3a का होल स्क्वायर, ये 4b का होल स्क्वायर, 7 3a माइनस 4b और ये हो गया बेटा 3a प्लस 4b, ये 7 3a माइनस 4b और 7 क्या हो गया 3a प्लस 4b। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम करते रहेंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया इसमें हमारा, ठीक है, बहुत सिंपल जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, एल प्लस एम का स्क्वायर ताकि आप प्रैक्टिस करें, एल माइनस एम का स्क्वायर। अब एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर, देखो
इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए ब्रैकेट बंद प्लस बी ब्रैकेट बंद, हो गया ए प्लस बी, ए प्लस ब्रैकेट बंद एल माइनस एम ब्रैकेट बंद, ठीक है, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, तो ये हो गया ए प्लस बी या ए माइनस बी या माइनस एल, से एल प्लस एम ए माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, अब क्या आएगा खेल, ये और ये कैंसिल, ये आ गया हमारा ये टू एल और हमारा ये और ये कैंसिल टू एम, आंसर आ जाएगा हमारा फोर एल एम, क्या आएगा आंसर हमारा फोर एल एम। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट हो गया इसका एक और माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे एक आइडेंटिटी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड, हमारा ये क्या हो गया आंसर, ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा और बढ़िया पार्ट है, ठीक है, देख रखा 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर, उन्होंने कहा ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बीच में टर्म क्या है, बी सी क्या है, बी सी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ग्रुप बना देंगे ऐसे 4 बी स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 28 बी सी, यहाँ प्लस आएगा, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, 25 ए स्क्वायर 4 बी का मतलब हो गया 2 बी का स्क्वायर, 49 का मतलब हो गया 7 सी का स्क्वायर, बीच में 28 है, देखो कैसे बनेगा 22 इंटू ए है 2 बी, बी है 7 सी, अब इससे क्या बन गया 2 टू 4 4 7 28 ही बन गया, तो एक फॉर्मूला बन चुका है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 बी माइनस 7 सी का होल स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 5a का होल स्क्वायर, अब फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, x माइनस वाई ब्रैकेट बंद और x प्लस वाई ब्रैकेट बंद, सेम वैसे बन गया खेल, अभी हो गया 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c, 5a प्लस 2b प्लस इंटू माइनस माइनस 7c, ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है, अब हम आपको सिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में इसका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दोनों में सिंपल क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, आंसर आएगा आपका ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अगला वाला पार्ट देखो, ये जो बहुत सिंपल वाले हैं इसको हम लोगों ने आपको लिए छोड़ दिया है, इसका एक पार्ट हम करते हैं 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, दोनों में देखो अगर आप पेयर बनाना, आपने क्या बनाना पेयर, 5y स्क्वायर ये अगला पार्ट है माइनस 20y, इसको आगे रखेंगे इसको पीछे रखेंगे, बोलो सर ऐसा कैसे, मैं बताता हूँ क्यों, दोनों में 5 क्या है कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, 5y कॉमन है, y माइनस 4 दोनों में 2 कॉमन है और z कॉमन है, ये भी हो गया y माइनस, ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आ रहे, इसका मतलब हमारा खेल क्या है, सही है, 5y माइनस वाई माइनस 4 और 5y प्लस 2z, ये क्वेश्चन हमारे इस तरीके से करे जाएंगे बेटा, ठीक है, अब अगला आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये सब अरेंज वाले हैं, अरेंज वाले क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन हैं, इनको प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए फोर माइनस बी फोर, ए फोर माइनस बी फोर मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या आएगा ये ए टू माइनस बी टू और ए टू प्लस बी टू, ए टू माइनस बी टू का मतलब क्या लिखेंगे इसे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि बीच में साइन किसका है प्लस का है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अब
अगला हमारा इसमें पी फोर माइनस 81, पी फोर मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर, 81 9 का, सो पी स्क्वायर माइनस 9, पी स्क्वायर प्लस 9। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 9, पी माइनस 3, पी प्लस 3, ये हो गया हमारा पी स्क्वायर प्लस 9, क्या आ गया हमारा पी स्क्वायर प्लस 9। इस तरीके से इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते जाइए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना मज़ा आएगा आपको। अगला हमारा है एक्स फोर माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4। एक्स फोर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का, ये भी स्क्वायर हो गया। दोबारा वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया ए माइनस बी, इसका एक्स स्क्वायर का नाम ए मानो और एक्स माइनस जेड स्क्वायर का नाम बी मानो, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर और बी क्या है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या हमारा एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, दोबारा वही चलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा एक्स माइनस जेड, ब्रैकेट बंद, एक बार माइनस हुआ एक बार प्लस होगा, ब्रैकेट बंद, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते, एक्स माइनस एक्स हो गया, एक्स में खत्म माइनस माइनस, ये जेड हो गया, एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस जेड, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपके आगे कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ए फोर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए फोर माइनस टू ए टू बी टू प्लस बी फोर, ए फोर माइनस टू ए टू बी टू प्लस बी फोर। ए फोर का मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर, बी फोर हो गया बी स्क्वायर का स्क्वायर, बीच में आएगा टू मल्टीप्लाई बाई ए टू इंटू बी टू, देखो ऊपर वाले के बराबर आ गया, क्या फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स का रूट कॉम्प्ले कर रहा है ए स्क्वायर, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे आप, और ये हमारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने और प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, सब बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे सर ये मुझे समझ नहीं आया, फिर हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो भी आपके डाउट रह जाएंगे अब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको इसमें एक आ रहा है हमारा, वैसे तो मैंने एक टॉपिक अलग से पढ़ा रखा है फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने करा रखा है, ये तीन चार क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उस टॉपिक में मैंने डिटेल में समझा रखा है, लेकिन यहाँ दो तीन पार्ट है तो मैंने बोला पहले कर दो इसे। देखो मल्टीप्लाई करो तो 8, मल्टीप्लाई करो 8 और जोड़ो तो 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास में स्टार्ट हो जाता है ये। देखो मल्टीप्लाई करो 8 और ऐड करो तो 6, 4p और 2p को जोड़ने पर 6p और मल्टीप्लाई करने पर 8, p कॉमन हो गया p प्लस 4, दोनों में 2 कॉमन हो गया p प्लस 4, ये p प्लस 4 और p प्लस 2 आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट हो गया q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, मल्टीप्लाई करो तो 21, मल्टीप्लाई करो 21 और ऐड करो तो 10, माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21, दोनों में q कॉमन हो गया, क्या आंसर आ गया q माइनस 7, 3q माइनस 7। टू का ध्यान पक्का होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 21 और जोड़ने पर 10, दोनों को जोड़ो तो माइनस 10, मल्टीप्लाई करने पर 21, और ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं q माइनस 7 q माइनस 3, तो मैंने इसके दो पार्ट कर दिए आपके। अभी मैं एक आध पार्ट ये वाले क्वेश्चन करना चाहता हूँ इसमें से जो मुझे लगे। अब जैसे यहाँ लेकर रखा माइनस 81 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस 81, अब 25 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, 81 को लाइन का स्क्वायर, तो ये हो गया 5x माइनस 9 और 5x प्लस 9। जो ईजी वाले मैं वैसे छोड़ रहा हूँ, ये 2.25 है, 2.25 और ये 1.44 है, 2.25 का होता है 1.5, देखो 2.25 ए स्क्वायर माइनस 1.44 ए स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है 1.5 ए का स्क्वायर, ये 1.2 बी का स्क्वायर,
फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1.5a माइनस 1.2b 1.5a प्लस 1.2b, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन में देखिए, देखने में बहुत डरावना लग रहा, ऐसा लग रहा बहुत मुश्किल है। ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, और ये हो गया ए माइनस बी। ऊपर वाले को क्या लिखा जाएगा, 4.987 का होल स्क्वायर माइनस 3.013 का होल स्क्वायर। नीचे लिखा जाएगा 4.987 माइनस 3.013। देखो अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 4.987 प्लस 3.013। 4.987 माइनस 3.013, नीचे हो गया 4.987 माइनस 3.0। बिल्कुल बिना कैलकुलेशन करे इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर इनको जोड़ो, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 8 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो क्वेश्चन हो रहे हैं जो और बढ़िया वाले हैं। ये दो क्वेश्चन हमारे पास बढ़िया वाले हैं। ठीक, ए 8 माइनस 64, ए का पावर 8 माइनस 64। 8 क्या हो गया, ए टू द पावर 4 का स्क्वायर, 64 मतलब 8 का स्क्वायर। तो ए 4 माइनस 8, ए 4 प्लस 8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट एक और है, x6 माइनस 16 क्या हो गया बेटा, एक्स क्यूब का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट आता है तो हमारी डाउट क्लासेस होती है 8899151013। अपने डाउट हमें दीजिए। थैंक यू।